बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? डॉक्यूमेंट निकाल कहाँ पे पहले देखना है डॉक्यूमेंट निकाल। अरे भाई तू ज्यादा सियाना मत बन, अभी अभी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कान पकड़, हाँ नहीं आएगा। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, तेजी से वायरल हो रहा बिहारी छात्रों के साथ हुई अमानवीयता का ये वीडियो सवाल उठाता है कि क्या अब तक बिहार के किसी मंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दिया? जो नेता खूब बिहार में डोमिसाइल खत्म पर ज्ञान बांटते हैं, क्या उन्होंने इस पर कोई संज्ञान लिया? ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बंगाल में फिजिकल देने गए बिहारी युवकों से कानून हाथ में लेकर अमानवीयता की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बंगाल में फिजिकल देने गए बिहार के अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ, क्या यह सही तरीका है? अगर हाँ तो क्या बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो हजारों बाहरी राज्य के लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर बहाली लिए हैं, जिसे विभाग द्वारा पकड़ा भी जा रहा है, उसके साथ इस तरह का व्यवहार तो कोई बिहारी नहीं कर रहा है। एक बात तो सही है कि किसी भी अभ्यर्थी को फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली लेना अपराध है, परंतु फर्जी को पकड़कर कानून के हवाले करना चाहिए, चाहे वो बंगाल के अभ्यर्थी हो या बिहार के अभ्यर्थी हो या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हो। फर्जी मतलब फर्जी, किंतु अमानवीयता किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, कानून को हाथ में लेना भी अपराध है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि दो अभ्यर्थी एक कमरे में सो रहे थे, जिसके बाद एक से दो युवक कमरे में घुस गए और पूछने लगे कि तुम कहां से आए हो और डॉक्यूमेंट तुम्हारा कहां है और अगर यहां किस चीज के लिए आए हो। तो पता चला कि फिजिकल का एग्जाम देने के लिए आए, जिसके बाद उन्होंने पूछा कि घर कहां है तुम्हारा, तो पटना के दानापुर में घर है, तो फिर यहां डोमिसाइल वाले को ही इस परीक्षा में बैठने की अनुमति है, तो फिर तुम कहां से परीक्षा देने के लिए आए, अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, कौन से बैग में तुम्हारे डॉक्यूमेंट है, ये कहते हुए वीडियो में नजर आ रहा है। और जो अभ्यर्थी है वो लगातार हाथ जोड़ करके उठक बैठक भी कर रहा है बिहारी अभ्यर्थी, और साथ ही साथ जो है उसे पैंट तक पहनने के लिए नहीं दिया जा रहा है, और यह अमानवीय चेहरा बंगाल से आया है। आप भी देखिए ये पूरा वीडियो। लाइट नहीं, बुझो ना, बांग्ला बुझो ना, बिहार साइड से बांग्ला बुझो ना, बांग्ला बोलते पारो ना, की करते इसछो? अरे हम लोग पहले शिफ्ट रहते थे तो यही पे आ गया। क्या काम में? फिजिकल क्यों देने आये हो? क्यों फिजिकल देने? अपना क्यों देने आये हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं, हम लोग बंगाल का नहीं है। तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया। सिलीगुड़ी सेंटर पर तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारे पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो, चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी, हम लोग पुलिस हैं। चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, डॉक्यूमेंट निकालो। अरे दादा 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 दादा, रुको इसको निकालो, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले देखना है, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया, परेशान तो बड़े हम। एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में। डॉक्यूमेंट निकल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट।
তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো ডকুমেন্ট দেখো। এই ডকুমেন্ট নিকাল না ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে। দানাপুর ওয়েস্ট বেঙ্গল কুছ নেই ফাড়ে বলে না, তোমারা কেরিয়ার নেই খতম করনা, তোমারা ডকুমেন্ট পেলে দেখনা, তুমি বতা রে ডকুমেন্ট নিকাল, ডকুমেন্ট নিকাল পেলে পেলে দেখনা, আপ ফাড়েগে নে বলে নেই ফাড়েগে বলতে নেই ফাড়ে আয় ফাড়বে না, দেখা 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 তুম ডকুমেন্ট পেলে নিকাল, ওই তুই ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেন্ট দেখা যে কি আছে तो वीडियो देखकर आपका खून खौल जाएगा। जबकि इसी बिहार के बीपीएससी टीआरई शिक्षक बहाली में काफी लोग जो बाहरी राज्य के थे वो गलत तरीके से शिक्षक बन गए थे, जिसे विभाग खुद पकड़ पकड़ कर निकाल भी रही है। प्रमाण स्वरूप आपको हम वो विभागीय लेटर भी दिखा रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इन लेटरों में ये साफ दिखाई दे रहा है और अखबारों के कटिंग्स है जिसमें फर्जी शिक्षकों के बारे में बताया जा रहा है। तो कभी कोई बिहारी छात्र या जनता इस तरह की अमानवीयता तो नहीं ही करता है और नहीं करेगा। बाहर के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने आते हैं उनके साथ बिहार में इस तरह की अमानवीय हरकत नहीं की जाती है, क्योंकि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर कोई फर्जीवाड़ा किया है या कर रहा हो तो उसे कानून के हवाले करना चाहिए, न कि अमानवीयता उसके साथ करनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका बयान अभी सबसे पहले आया है। गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट पर गिरिराज सिंह ने गर्जना की है। उन्होंने ये लिखा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान के लिए रेड कार्पेट और परीक्षा देने गए बिहार के बच्चे के साथ मारपीट, क्या ये बच्चे हिंदुस्तान के अंग नहीं है? क्या ममता सरकार ने सिर्फ बलात्कारियों को बचाने का ठेका ले रखा है? तो गिरिराज सिंह गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है अपने बयान में वो भी आप सुनिए। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए मुसलमानों के लिए रेड कार्पेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। तो इस मामले पर सोशल मीडिया पर सवाल लगातार तैर रहे हैं कि ममता दीदी क्या बांग्लादेश में है बंगाल? एग्जाम देने के लिए क्या वीजा लेकर जाएंगे? बिहार के छात्र पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ हुई मारपीट, स्थानीय गुंडों ने अभद्रता भी की है, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग लिख लिख करके शेयर कर रहे हैं। गिरिराज सिंह के अलावा और किसी नेता ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि आज कहां गए वो नेता जो बोला करते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, डोमिसाइल पर ज्ञान देते रहते हैं। देखिए कैसे पश्चिम बंगाल में परीक्षा देने गए बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आधी रात को गेस्ट हाउस में घुस घुस कर डॉक्यूमेंट चेक किया जा रहा है और कैसे भगाया जा रहा है। अब ये वीडियो जो है तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में हर चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि दर्श न्यूज नहीं करता है, लेकिन
ये जांच का विषय है। तमाम पदाधिकारियों से आग्रह है कि इस वीडियो की जांच कराकर युवाओं के साथ हुई अमानवीयता पर उचित कदम उठाएं और छात्रों को न्याय दिलाएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।